Asalaamu Alaikum students, welcome to my channel. पाकिस्तान नेवी में सीलर के जॉब्स हैं और इन जॉब्स में क्या क्या क्राइटेरिया है आल डिटेल्स मैंने इस वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बताई हुई है जिसमें मैंने ऑल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से रीड किया जिसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर आपने मैट्रिक किया तो आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है अगर आपने मिडल किया अगर आप अनपढ़ हैं या अगर आपने इंटरमीडिएट किया अगर आप या अगर आप डी होल्डर हैं या अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो आपने किन किन पोस्ट पर अप्लाई करना है कैसे करना है और उन डिटेल्स रिलेटेड मैंने गाइड किया हुआ है कि उसमें आपकी सैलरी क्या होगी सब कुछ मैंने बताया हुआ है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे वॉच करें उसके बाद में रजिस्ट्रेशन देखें कि कैसे खुद की रजिस्ट्रेशन खुद के मोबाइल से करनी ताकि आप भी खुद की रजिस्ट्रेशन खुद के मोबाइल से करें और पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बन सकें चूंकि जबरदस्त किस्म की जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जो है यह इनशाला बात में नहीं आएगी तकरीबन छह सात माह के बाद दोबारा से यह जॉब्स आएंगी तो तब तक वेट करने की बजाय अगर आपका क्राइटेरिया सेम है अगर आपने भी मैट्रिक किया हुआ है तो आप भी पाकिस्तान नेवी में ला पर अप्लाई कर इसमें जबरदस्त किस्म की जॉब्स हैं तो चले कैंडिडेट्स अप्लाई करना सीखते हैं जो लिंक दूंगा आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपने उस लिंक पर क्लिक करना आपके पास कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जिसमें सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट का इंतखा करना है उसके बाद में आप ब्रांच का इंतब करोगे जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि मैंने पार्ट वन में ऑल डिटेल्स रीड की हुई हैं तो आप वहाँ से हेल्प ले के खुद की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पोस्ट का इंतब कर सकते हैं मैं किसी एक में अप्लाई करके बता देता हूँ सभी का मेथड बिल्कुल सेम ही है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ सीलर नेवल पॉलिस रेगुलेटिंग तो जैसे इसे सिलेक्ट करते हैं इसका क्राइटेरिया ऑपन होगा इसके बाद में यहाँ पर आप खुद के सिलेक्शन सेंटर का इंतजाम करोगे जो भी आपका नियरेस्ट है उसके बाद में आप टेस्ट की तारीख का इंतजाम करोगे जो भी आपके लिए मुनासिब है आपका जो वक्त है जो भी जिसमें आप टेस्ट देना चाहते हो आप उसका इंतखब कर सकते हैं तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है नेक्स जी अगर आप शहीद नेवल वार्ड यानी अगर आप लुवाकिन में से या शोधा के लुआकिन में से तो आप उनसे रिलेटेड क्लेम कर सकते हैं आप इस जगह पर एरो पर क्लिक करके नेवल वार्ड या पी एन शहीद जो भी हैं अगर नहीं तो आप रहने दें यानी अगर आप फ्रेश हैं तो आप रहने दें इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले जो लास्ट में वो आपने ख़ुद की पिक्चर को अपलोड करना है आपने अपलोड पिक्चर पर क्लिक करना है तो यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ तो जैसे मैंने सेलेक्ट की वो मुझे कह रहा है मैक्सिमम साइड एक्सिस यानी आपने ऐसी पिक्चर को अपलोड करना है जिसका लेस देन जो साइज़ है वो ट्वेंटी के बी होना चाहिए तो आपने इस ओके पर क्लिक करना है तो कैंडिडेट्स यहाँ नीचे में देखें यहाँ पर रिसाइज पिक्चर के ऑप्शन है ट्वेंटी के बी में कन्वर्ट करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है थोड़ा सा वेट करें कुछ वेबसाइट ओपन हो होगी आपने रिसाइज इमेज पर क्लिक करना है फिर से थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके पास अपलोड इमेज के ऑप्शन आएगी आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है जो भी इमेज आप रिसाइज करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है थोड़ा सा वेट करें या अपलोड हो जाएगी थोड़ा सा और वेट करें ये कुछ इस तरह से आपके पास नज़र आएगी जिसमें आप यहाँ पर कंप्रेस फाइल में यहाँ पर जितने भी के भी में चाहें आप कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर 19 के में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि लेस देन 20 चाहिए तो यहाँ पर मैं कंप्रेस वाली ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो वो हमें बता रहा है योर फाइल इज़ रिड्यूस बाय नाइन्टी एट परसेंट तो यहाँ पर सबसे लास्ट में हमें गो टू डाउनलोड के ऑप्शन है यहाँ पर गो टू डाउनलोड पर क्लिक करते हैं हमारी पिक्चर कुछ इस तरह से आ चुकी है इसमें डाउनलोड इमेज पर आप क्लिक कीजिए थोड़ा सा वेट कीजिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है फिर से आप आ जाएँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिर से आप अपलोड पिक्चर वाली ऑप्शन पर क्लिक करें थोड़ा सा वेट करें जो भी आपकी पिक्चर है आप उसे सेलेक्ट कीजिए और अभी देखें अपलोड हो चुके हैं फिर आप नेक्स्ट डिटेल्स को एंटर कीजिए यानी कैंडिडेट नेम आएगा जो भी आपका नेम है आप उसे एंटर कीजिए उसके बाद में अपना सी एन आई सी जो भी आपका सी एन आई सी है आप उसे एंटर कीजिए यहाँ मैं खुद का सी एन आई सी एंटर कर लिया और यहाँ पर फादर का नेम आएगा जो भी आपके फादर का नेम है मैं ऑल डिटेल्स को पुट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ यहाँ पर आपके फादर का सी आएगा नेक्स्ट आपका जेंडर आएगा आप मेल हैं या फीमेल हैं नेक्स्ट आपकी मेल हाइट आएगी यहाँ पर आप क्लिक करके खुद के हाइट का इंतजाम की नेक्स्ट आपका स्टेटस आएगा आप मैरिड हैं अनमेरिड हैं नेक्स्ट आपका रिलीजन आएगा आपका मजहब क्या है आपका प्रोविंस कौन सा है और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आएगा जो कि आपने सेलेक्ट कर लेना आल डिस्ट्रिक्ट में से यहाँ पर आपकी डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ किधर गई ये डेट ऑफ बर्थ आएगी जैसे उस पर क्लिक करता हूँ वो ऊपर चला जाता है यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगी जो कि यहाँ पर कैलेंडर में आपने क्लिक करना है जैसे देखें जैसे इस एरो पर आप क्लिक करते हैं कुछ ऐसे कैलेंडर सा ओपन होगा जिसमें सबसे पहले आप ईयर का इंतार कीजिए जो भी आपका ईयर बनता है उसके बाद में आप कुछ इस तरह से मंथ और डेट का इंतखब कीजिए और आप सेलेक्ट कर लीजिए नेक्स्ट आपका ई मेल एड्रेस आएगा जी इस जगह पर ई मेल एड्रेस जो भी आपका ई मेल एड्रेस है ऐसा एड्रेस लिखिए कि जो आपके मोबाइल की जी मेल को आई डी लगी हुई है जो हॉट मेल की आई डी है याहू मेल की आई डी लगी जो आपके मोबाइल में लॉग इन है वही आपने यहाँ पर एंटर कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस आएगा जहाँ पर आपको डाक पेजेज़ है और यहाँ परमानेंट एड्रेस आएगा पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस उनका डिफरेंट होता है जो रेंट पर रहते हैं अगर आपका एक है तो आप एक लिखिए यहाँ पर आपका कैंडिडेट मोबाइल नंबर आएगा जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप इस जगह एंटर कर दीजिए उसके बाद में आपके फ़ादर या गार्डियन का कोई भी मोबाइल नंबर आएगा जिसमें आपको ऑल डिटेल दी जाएगी कि यानी आपको मैसेज भी भेजे जाएंगे जब आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी उससे पहले आपके जो भी टेस्ट वगैरह होंगे तो आपको इसी पर कॉल की जाएगी तो इसलिए किसी ऐसा आपने ऐसा मोबाइल नंबर जो है वो प्रोवाइड करना है जो कि किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो उसके बाद में यहाँ पर आपकी अकडेमिक और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की इंफॉर्मेशन आएँगी जो कि लास्ट में आपने लास्ट में पुट करनी है यहाँ पर सेलेक्ट डिग्री आएगी आपने मैट्रिक का इंधाब करने जो भी जिस लिहाज से पोस्ट होगी उसी के रिलेटेड यहाँ पर डिग्री होगी यहाँ पर आपने बोर्ड का इंतजाम करना है जो भी आपका निरस्ट बोर्ड है जिससे आपने तलीम हासिल की जहाँ पर आपके परसेंटेज आएगी जो भी आपकी ऑप्टन परसेंटेज थी जैसे कि मेरी एटी एट थी तो आपने इस जगह पर क्लिक करके जब आप ऑल डिटेल्स को अच्छे से पुट कर लोगे आपने देख लेना तो आपने इस अप्लाई वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ डिटेल क्या रखे आपने ये ईमेल गलत लिखी हुई है ये तो मैंने समझाने के लिए लिखी थी फिर भी इसमें एड gmail.com एंटर कर लेते हैं और फिर से अप्लाई वाली ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वो अभी हम कुछ खैर के आपने जो नंबर एंटर करने में प्लस 92 से स्टार्ट करना है तो देखिए हम प्लस 92 कर लेते हैं प्लस 92 ओके हो गया एंटर नंबर विदाउट प्लस 92 सॉरी मेरा नंबर गलत था मैंने ठीक कर लिया है अभी सबसे लास्ट में चलते हैं ऑल डिटेल्स वैसे ही कि वैसे है तो मैं अप्लाई वाली ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से मेरे पास रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऑप्शन कि आपने सबसे लास्ट में आके आई एग्री पर क्लिक करना है जैसे ही टिक मार्क आएगा चेक लगेगा वैसे ही सबमिट के आपके पास ऑप्शन आएगी आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना और थोड़ा सा करना है फेट तो आपकी कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास आएगी जिसमें टेस्ट की तारीख़ वक़्त सब कुछ होंगे और आपकी क्या परसेंटेज है आपने क्या तलीम हासिल की आपने साथ क्या क्या लेके जाना है ऑल डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं आपके आपने ओरिजिनल एन आई सी साथ लेके जाना है और इसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाना है डोमिसाइल लेके जाना है जो भी डि डिटे, डिटेल्स आप यहाँ पर से रीड कर सकते हैं साथ में आपने सौ रुपया भी लेके जाना है आपने दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी जानी है और यहाँ पर एक नोट भी है कि आपसे गुजारिश है कि सीलर जब कार्ड में दिया गया इंफॉर्मेशन फॉर्म पुर करके हमरा लें और सेंटर में जमा करवाएँ चूँकि आपका अप्लाई हो चुका है तो आपने ऑनली रजिस्ट्रेशन जो स्लिप होगी वो आप साथ लेके जानी और आप जो प्रिपरेशन करोगे आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और लास्ट में शेयर कर दिया गया आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ से इंशाल्लाह प्रिपरेशन करनी है आपका टेस्ट वन हंड्रेड वन परसेंट इंशाल्लाह पास होगा और आप भी पाकिस्तान नेवी का हिस्सा एज ए सीलर बन सकते हैं तो आपने इस चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब करने है जो भी आपका क्वेश्चन है आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़